चोपड़ा में खराब रास्ते के कारण बस घुसी सूत फैक्ट्री में। देखिए बस का चौंकाने वाला ये वीडियो। हैदराबाद के अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। खेड़ में एसटी बस ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवक को कुचला, युवक की हुई मौत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर, महाराष्ट्र के चोपड़ा से नासिक आने वाली एक एसटी बस खराब रास्ते में पड़ने वाला गड्ढा बचाने के चक्कर में किस तरह से अनियंत्रित हो गई और एक सूत फैक्ट्री में घुस गई। संयोग से इस बस के चालक को, वाहक को या किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। देखिए किस तरह से बस खड्डे को बचाने के कारण अनियंत्रित हुई है और इस सूत फैक्ट्री में घुसी है। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद के मेहंदी पट्टनम इलाके में शनिवार शाम को अंकुरा अस्पताल के ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि जो होल्डिंग्स लगाई गई थी उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उस आग ने अस्पताल के ऊपरी मंजिल के बाहरी हिस्सों को घेर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तल अधिक 9 मंजिला इस इमारत में अंकुरा अस्पताल चलाया जाता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अनुसार इस आग की वजह से ऊपरी मंजिलों के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, अंदर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहीं कोई जख्मी या हताहत भी नहीं हुआ है। चार तेज खबरों में हमारी अगली खबर कोकण के चिपलुन से है। चिपलुन के खेलडी के पास एक भयानक दुर्घटना गत गुरुवार को घटी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। विजय दाबोलकर, उम्र 34 वर्ष, यह युवक अपनी मोटरसाइकिल के साथ रास्ते के किनारे खड़ा था और उसके पिता भी उसके साथ मौजूद थे। उसी दौरान एक तेज गति से आती एसटी बस ने अनिकेत को मोटरसाइकिल समेत अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर मारते हुए, उसे रौंदते हुए यह बस काफी दूरी तक ले चली गई, जिसमें अनिकेत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस संबंध में एसटी चालक गोपाल वाघमारे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये गाड़ी तिथे गेले ना, ते बहुतेक तो हाईत असणार। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे आप अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।